हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपको कुछ अपने सामने हाजिर फिर से नए वीडियो साथ। और आज हम लाए हैं आपके लिए दोस्तों अनसोल्ड पेपर 2020 का सेट नंबर 324XA का पार्ट नंबर 3। यानी कि इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से इसका आगे का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों ज्यादा विलंब ना करते हुए हो जाइए तैयार, करते हैं फिर स्टार्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन ही क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट। इसमें हमें प्रायिकता का सवाल दे रखा है दोस्तों। एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित, 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान और 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं, है ना। यदृच्छ एक व्यक्ति चुना, यदृच्छ का मतलब होता है अचानक, बिना सोचे समझे एक व्यक्ति। ये ऐसा नहीं कि यार मैं उसे चुनूँ उसे चुनूँ, ऐसा सोचना नहीं है। अचानक भाई तुम आ जाओ या तुम आ जाओ। यदृच्छ एक व्यक्ति चुना जाता है, विद्यार्थी चुना जाता है और उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नंबर वन, दो पार्ट पूछ रहा है, वह गणित पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है, और वह जीव विज्ञान पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह गणित पढ़ता है। दोस्तों प्रायिकता की खास बात देखिए, यहां नोट में बता देते हैं हम आपको। पी फोर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हमेशा वन के या तो इक्वल होगी, 100% होगी वन के इक्वल, और या फिर वन से हमेशा छोटी होती है, पॉइंट आएगी, ठीक। दूसरी बात, इसमें ए ऑब्लिक बी या ए अपॉन बी ऐसे लिख सकते हैं, पी ए अपॉन बी, कहीं कहीं अपॉन में भी आ जाता है, या पी बी ऑब्लिक ए, कहीं कहीं पी बी अपॉन ए, इस टाइप में आ जाता है। लेकिन स्टैंडर्ड जो आता है ज्यादातर 99% वो ये ऑब्लिक में ही आता है। अब इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब ये है कि पी जो ऑब्लिक के नीचे वाली कंडीशन है, पहली वाली बता रहे हैं बी और ए, इसका मतलब यह है कि एक बी घटना ऑलरेडी पहले हो चुकी है, तब ए के होने की प्रायिकता क्या है। जैसे खाना खाने बैठे, पानी भी साथ में रख दिया, अब पानी साथ में रख दिया, ऐसा तो नहीं कि मेहमान पहले उठ के पानी पी लेगा, प्यास नहीं है उसको, प्यास नहीं, जनरली बात कर रहे हैं जिसको प्यास होगी पहले भी पी लेता है, उस केस को छोड़कर खाना खाने बैठते हैं और खाना भी आ गया सामने, पानी भी रखा है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले खाना खाते हैं, चाहे एक या दोनों वाले खाएं, किसी भी चीज़ के खाना खाते हैं, उसके बाद में पानी पीते हैं। यानी कि खाना खाने की घटना ये हो चुकी है, अब पानी पी रहे हैं, तो पानी पीने की प्रायिकता क्या है, ये मतलब होगा। या दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे बाढ़ आ रही है, पुल बंधा हुआ है, अब पुल उखाड़ भी नहीं पा रहे, बाढ़ का पानी कितना तेज़ी से आ रहा है, तो एक घटना बी, बाढ़ यानी पानी आ रहा है, वो घटना हो चुकी है, वहां से पानी डैम से पानी छोड़ दिया गया है, तो डैम से पानी छोड़ने की घटना हो चुकी है, और अब पुल बहेगा या नहीं बहेगा इसकी प्रायिकता बतानी है, कितने परसेंट चांस है कि वो टिका रहेगा या नहीं टिका रहेगा। इसका मतलब एक घटना हो चुकी होती है, दूसरी घटना होने के, उसके अकॉर्डिंग दूसरी घटना होने के चांसेस क्या है, ये क्वेश्चन वैसे ही है। देखिए माना गणित पढ़ने की प्रायिकता, माना गणित पढ़ने की घटना, प्रायिकता बाद में निकालेंगे, ए तथा दूसरा सब्जेक्ट है जीव विज्ञान, है ना। जीव विज्ञान बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान पढ़ने की घटना बी है, तब दिया है, इंग्लिश वाले अच्छी इंग्लिश में लिख लेंगे, तब दिया है क्या कि 40% विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गणित पढ़ने की जो प्रायिकता है वो 40% है, प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो 40/100, 100 नीचे आ जाएगा, 2×4 = 2×5 एंड जीव विज्ञान पढ़ने की घटना को बी कहा है, तो जीव विज्ञान कितना पढ़ रहे हैं 20%, यानी 20% मीन्स 20/100, 20/100 यानी 1/5, और 10% दोनों पढ़ रहे हैं तथा या एंड तथा दोनों पढ़ रहे हैं, यानी कॉमन, वो स्टूडेंट कॉमन है, इस क्लास में भी जा रहे हैं, इस क्लास में भी जा रहे हैं, जब इस क्लास में मैथ का पीरियड चल रहा है तब भी जा रहे हैं वो, और बायोलॉजी का पीरियड चल रहा है तब भी जा रहे हैं वो, तो दोनों में कॉमन, इंटरसेशन का मतलब होता है कॉमन, तो कॉमन विद्यार्थी हमारे पास 10%, यानी कि 1/10 या गया। अब एक व्यक्ति चुना जाता है, वह गणित पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि जीव विज्ञान पढ़ता है। देखिए पॉइंट में, पॉइंट नंबर एक हिंदी में लिखेंगे,
एक व्यक्ति को चुने जाने की प्रायिकता जबकि वह एक विद्यार्थी को चुने जाने की प्रायिकता जबकि वह गणित पढ़ता है, चुने जाने की प्रायिकता यदि के बाद में वह गणित पढ़ता है, पूरा लिख देंगे, ये वह गणित पढ़ता है जबकि ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। यहां तक पहला पॉइंट उसकी प्रायिकता होगी P। क्या मतलब, देखिए ज्ञात क्या है, वह जीव विज्ञान पढ़ता है, ये ज्ञात है। क्या ज्ञात है, कि डैम से पानी छोड़ दिया गया है तो ये घटना नीचे वाली हो गई जो हो चुकी होती है ना। अब दूसरी घटना करनी है कि गणित पढ़ता है, इसके बारे में बताओ कितने प्रतिशत चांस है कि वो, ये पता तो है कि जीव विज्ञान में तो जाता है, क्या वो मैथ के पीरियड में जाता है, नहीं जाता है, इसके चांस, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि बायोलॉजी वाले में जाता है। तो जाने वाली जो घटना है, बायोलॉजी वाली घटना जो है, बायोलॉजी वाली घटना कौन सी है, जीव विज्ञान पढ़ने की घटना बी, यानी कि बायोलॉजी वाली घटना बी, यानी कि बी घटना हो चुकी है क्योंकि हमें ज्ञात है, और मैथ की क्लास में जाता नहीं जाता ये बताना है, तो ये हमें बताना है। तो बहुत आसान है, हमने आपको अभी पिछले पार्ट की वीडियो में बताया था प्रायिकता का क्वेश्चन आया था, तो ये इसको ओपन करने का बहुत आसान तरीका होता है दोस्तों। यहाँ पे बता देते हैं, अगर याद नहीं है, जो भी हो इन दोनों का इंटरसेक्शन आता है हमेशा, और नीचे यानी अपॉन में जो नीचे होता है उसकी प्रायिकता आती है, बस ये फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ ए होगा तो ये आ जाएगा, ठीक, ये प्रायिकता निकालने का तरीका, दोनों का इंटरसेक्शन होने का प्रायिकता 1/10 अपॉन में बी की प्रायिकता निकली है बायोलॉजी की 1/5, यानी कि 5/10, यानी कि 1/2, यानी 0.5, एक तो आंसर ये हो गया दोस्तों, 1/2 भी आंसर, 0.5 भी आंसर। और दूसरा आंसर देखिए, दूसरा पार्ट पढ़िए, पढ़ लिया दूसरा पार्ट, देखिए सेम लैंग्वेज में लिखना है, जीव विज्ञान पढ़ता है जबकि ज्ञात है गणित पढ़ता है। तो दूसरे पार्ट के लिए एक विद्यार्थी, यहां से लिखेंगे पूरी लैंग्वेज सेकेंड पार्ट को और यहां तक पूरा उतार देंगे इसी लैंग्वेज को, बस चेंज हो जाएंगे सब्जेक्ट, ये वाली लाइन आ जाएगी, जीव विज्ञान पढ़ता है, ठीक, उसकी प्रायिकता क्या होगी, क्या गणित ज्ञात है, तो गणित तो ज्ञात है, बायोलॉजी का बताओ, बिल्कुल बायोलॉजी भी याद आ, ठीक है, उसको ज्ञात तरीका वही पी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, तो इंटरसेक्शन 1/10, उल्टा निशान लगा दो बटे की जगह, तो उल्टा करके लिख दो 2/5, 5/2, 1/4 पॉइंटों में लिख लेंगे तो 0.25, पॉइंटों में भी छोड़ सकते हैं, बिना पॉइंटों में छोड़ सकते हैं, दोनों ही आंसर सही है। अब इसका खा पार्ट दोस्तों, इंटीग्रल के लिए हमें दे रखा है इंटीग्रल साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एस, इसका इंटीग्रल पूछा, बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब इंपॉर्टेंट कहने की जरूरत नहीं है चूंकि अनसोल्ड पेपर है, तो यानी कि एग्जाम में आया हुआ तो सारा इंपॉर्टेंट ही है, तो इसके लिए दोस्तों लेट करते हैं, हम लेट कर लेते हैं एक्स प्लस ए या एक्स माइनस ए, जो भी आपको अच्छा लगे उसकी जगह हम टी लेट कर लेते हैं, क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, ठीक, तो लेट करते हैं इसको करने का तरीका, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू टी डिफ्रेंशिएशन डी एक्स इक्वल टू डी टी, इंप्लाइज दैट में आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इट कम्स आउट टू बी, यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे, इंप्लाइज दैट इसी लाइन के इंप्लाइज दैट आगे को एक्स इक्वल टू ए माइनस टी माइनस ए, टी माइनस ए नीचे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, छोटे छोटे स्टेप हैं, साइन एक्स की जगह आगे टी माइनस ए, टी माइनस ए माइनस ए, और अपॉन में साइन टी डी एक्स की जगह डी टी, इट कम्स इंटीग्रल साइन टी माइनस टू ए अपॉन साइन टी। अब हमें फॉर्मूला खोलना है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये हमें याद है अच्छी तरीके से, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो वही खोल रहे हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन में सेम साइन आता है कॉस ए और साइन बी अपॉन में साइन टी एज इट इज और डी टी, ये चल रहा है, साइन टी को दोनों के नीचे अलग अलग रख देंगे, साइन टी अपॉन साइन टी कैंसिल हो जाएगा तो खाली कॉस टू ए बचेगा, माइनस कॉस अपॉन साइन टी कॉट बन गया कॉट टी और साइन टू ए डी टी, राइट, ठीक है। अब
इंटीग्रल अलग अलग ऑपरेट कर देते हैं, ये अचर पद है तो कॉस टू ए बाहर आ जाएगा, इधर से डी टी आ रहा है 180, चाहे डायरेक्ट यही कर सकते हैं हम, एक एक स्टेप बता रहे हैं। साइन टू यहाँ आ गया, इंटीग्रल एक बार लिख के दिखाना चाह रहा तो लिख के दिखा सकते हैं, कॉस टी डी टी, यहाँ से कॉस टू ए वन का हो गया इंटू टी माइनस साइन टू एज इट इज, और कॉस टी का सॉरी कॉस नहीं चला दोस्तों, ये कॉट है, कॉट गलती हो जाती है अभी, कॉट टी का लॉग साइन टी, लॉग साइन टी और प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक, अब आगे देखिए इसमें क्या होने वाला है, टी पहले लिख लेंगे कॉस टू ए आ गया माइनस साइन टू का साइन सी उतारेंगे, टी की वैल्यू लगा देंगे, आंसर हो जाएगा साइन टू ए लॉग साइन टी प्लस सी, टी इक्वल टू, अब टी इक्वल टू कितना रखा टी का मान, एक्स प्लस सी रखने पर, ये टी का मान रखने पर, इसमें आई चल रहा था तो कंफर्म आ गया आई, एक्स प्लस ए इंटू कॉस टू ए माइनस साइन टू ए लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट सी, दैट्स अवर आंसर। ठीक है, अब चलते हैं इसका अगले पार्ट की तरफ, गा पार्ट। गा पार्ट में दोस्तों मैंने रखा है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके विकर्ण d1 और d2 दे रखे हैं, तो बहुत इजी है, आप चाहे तो छोटा सा फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं जो कि समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी सी डी, उसके दो विकर्ण दे रखे हैं, ए विकर्ण ये और ए विकर्ण ये, किसी भी विकर्ण को d1 किसी भी विकर्ण को d2 के ऐसे लगा सकते हैं, d1 d2 दो विकर्ण दे रखे हैं, तो गिवन में लिख सकते हैं, गिवन में ये नहीं दिया है, दोनों विकर्ण हैं वेक्टर फॉर्म में, d1 is equal to 3i plus 2j minus k and d2 is equal to i minus 3j plus 2k। तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, विकर्ण के पदों में क्या होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोस्तों, चूंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्ण के फॉर्म में क्या होता है, दोनों विकर्णों का क्रॉस प्रोडक्ट और का मापांक, तो इसके लिए हमें दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, तब d1 क्रॉस d2 दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने, वही डिटरमिनेंट में आता स्टैंडिंग में i j k। ठीक, और फिर d1 d2 के कोफिशिएंट यानी कि i j k के 3 2 माइनस 1 और इधर 1 माइनस 3 2, इसको ओपन करिए दोस्तों, तो दोस्तों इसका ओपन करते हैं, इधर चल रहा है d1 क्रॉस g2। ठीक, वही सबसे पहले हल्की सी माइंड में लाइन खेल लेते हैं, आई जे के गायब, तो यह लिख दिया i यहां आ गया माइनस j यहां आ गया और प्लस k यहां आ गया, अब i के नीचे लिखेंगे तो i वैल्यू कैंसिल कर दिया, ऑलरेडी पहली लाइन तो हमेशा के लिए कैंसिल कर दी क्योंकि तो उठा के आई जे के यहाँ रख दिए, आई जे जे के लिए ओके वहाँ लिख दिया, तो यानी कि लाइन गायब, अब आई के अंदर लिखना है तो आई वाला दबा लो, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई पहले इधर से होती है, हमेशा याद रखें दो दूनी चार, बीच में हमेशा माइनस का निशान आता है और तीन एकम तीन, अच्छी तरीके से आपसे आता होगा तो। ठीक है, दूसरा जे के नीचे लिखेंगे वही तीन दूनी छः माइनस प्लस वन, ऐसे ही के का लिखेंगे तीन तीन नौ विद नेगेटिव साइन माइनस बिल्कुल दो। ठीक, आप सिंप्लीफाई करेंगे ये बना आई माइनस सेवन जे माइनस इलेवन के, अब इसका दोनों का सारणिक निकालना हमें, सॉरी दोनों का सारणिक नहीं मॉड, सारणिक का निशान याद आता है, तो मॉड निकालेंगे आई माइनस सेवन जे और माइनस का इलेवन के, वही मॉड हटता है अंडर रूट आता है और इनके कोफिशियंट का स्क्वायर होता है वन सात सत्तर उनचास, हमेशा बीच में प्लस आता है ये आपको पता है, वन टू वन नौ और एक दस और एक ग्यारह का एक हाँसी लगा एक दो चार छः और एक सात एक 171 ये आ गया। अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल
इज इक्वल टू 171 का रूट इकाई, ये इसका आंसर हो गया। अब इसका चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब दोस्तों इसका घ पार्ट यानी फोर्थ का लास्ट पार्ट, इसमें फंक्शन एफ एक्स दे रखा है cos 2s, इसके लिए एक इंटरवल दे रखा है 0 टू पाई क्लोज इंटरवल। तो रोल्स थ्योरम को बता रहा है कि सत्यापित कीजिए, रोल एक की प्रमेय को सत्यापित कीजिए। अब दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बच्चों के सामने कम आता है थोड़ा सा, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको यहाँ एक्सप्लेन करें, डिफाइन करें। देखिए नोट में वही पहले इसके लिए जो जरूरत होगी वो चीज सिखाते हैं, पर आपको मालूम है किसी भी क्वेश्चन को हम डीपली ही जाके समझाते हैं, भले चाहे मैटर हम वीडियो में कम दे पाए नेक्स्ट वीडियो में ले आते हैं, लेकिन उसको जब तक हम क्लियर डिफाइन नहीं करते हमें खुद अच्छा नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप देखिए कभी भी हम हमेशा नोट वो देते हैं हर चीज में जो आपको हेल्पफुल होता है क्वेश्चन के लिए। रोल्स थ्योरम क्या कहती है, सबसे पहले तो हम यहां लिखेंगे, हम जानते हैं वी नो दैट, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में, रोल लिखी प्रमेय इंग्लिश में एपोस्ट्रोफियस नाउन बन गया रोल्स थ्योरम इज राइट। क्या होती है नंबर फर्स्ट पॉइंट, क्या होती है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, ए बी को इंटरवल हिंदी में हो गया एफ एक्स संतुलित होगा ए बी के लिए, या एफ एक्स इस इंटरवल के लिए संतुलित होगा पहली बार। दूसरा एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, हिंदी में हो गया एफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी के लिए अवकल नहीं होगा। थर्ड एंड एफ ए इस इंटरवल के लिए और एफ बी दोनों वैल्यू सेम होगी, यानी ए को यहां रखें और बी को यहां रखें तो दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, ये तीन पॉइंट होने चाहिए एंड एफ इक्वल टू एफ बी। ठीक, तब या देन यदि उसका डेरिवेटिव सी इक्वल टू जीरो पर शून्य हो तो हमें शो करके दिखाना है, यदि एफ डैश सी इक्वल टू जीरो तब सिद्ध करना है जो सी पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव शून्य आ रहा है वो सी पॉइंट बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल के लिए। ये रोल्स थ्योरम होगा, यानी एक पॉइंट होना चाहिए, दूसरा पॉइंट होना चाहिए, तीसरा पॉइंट होना चाहिए, ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होने चाहिए, उसके बाद एफ डैश सी इक्वल टू अगर जीरो रखकर चल रहे हैं तो ये सी पॉइंट इसके ओपन इंटरवल में होना चाहिए। तो ये तो हो गए दोस्तों रोल्स थ्योरम। अब इसमें एक बात आ रही है, बार बार हम बोल रहे हैं क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, इसको भी थोड़ा डिफाइन करते हैं। देखिए ये जो बड़ी ब्रैकेट होती है, हालांकि बहुत सारे बच्चों को पता होगा, जिनको पता नहीं है दोस्तों तो उनको बता रहे हैं, ठीक है, इसे कहते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल हिंदी में कहते हैं बंद अंतराल, इसकी खास बात यह होती है अगर कोई 1,4 कोई इंटरवल बड़ी ब्रैकेट है, कोई ऐसा मान जो इस इंटरवल के अंदर है तो क्लोज इंटरवल में वो तब वहां से x की वैल्यू वो लेते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं क्लोज इंटरवल में, ये बॉर्ड यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहीं तक लेके जाते हैं, तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, ये हो गया क्लोज इंटरवल। ठीक, नोट बता रहे हैं चीज। एंड ओपन इंटरवल का मतलब छोटी ब्रैकेट, इसे कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल यानी कि खुला अंतराल। अब खुला अंतराल की क्या खास बात है कि अगर x
1/4 यही वाली वैल्यू खुली ब्रैकेट में हो यानी छोटी ब्रैकेट में हो, छोटी ब्रैकेट को खुला अंतराल कहते हैं, ओपन इंटरवल कहते हैं, तब जो एक्स के मान आएंगे ओपन इंटरवल में छोटी ब्रैकेट में इन मानों को नहीं लिया जाता है, सिर्फ इनके बीच के मानों को यानी इससे आगे इससे कम कितना 2 और 3 ये लिया जाएगा। पॉइंट में भी आ सकता है 1.2, 1.3, 1.4 यानी इससे आगे के और 4 से पीछे के, 4 नहीं आएगा, 3.999 ले सकते हैं लेकिन 4 नहीं आएगा, और मोटी मोटी वैल्यू लेने के लिए 2, 3 दिखा दिया हमने, इनके अंदर सारी पॉइंट हुआ 1.1, 1.2, 1.3 सारी वैल्यू 2.3, 3.99 तक यानी 4 नहीं लेंगे, 3.99999 कितना ले सकते हैं 4 नहीं लेंगे, ठीक है ये हो गया ओपन इंटरवल। तो दोनों बातें क्लियर हो गई। अब हम इसको रफ करते हैं, आप इसको उतार लीजिए, उतारने के बाद में फिर इस फंक्शन के लिए हमें वैसे तो यहीं से शुरू कर देते हैं, बाद में टाइम है। अब घा इसका आंसर ये हो गया नोट, यहाँ तक आप नोट लिख सकते हैं, आप इस नोट को चाहे तो आप एग्जाम में दिखा सकते हैं, नहीं तो आप अपने स्टूडेंट के लिए साइड में नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पहला पॉइंट एफ एक्स, याद रखें कॉस 2x के लिए कंटिन्यूस होगा, इस 0 पाई के लिए, 0 और पाई के लिए क्लोज इंटरवल है, यानी 0 शुरू करेंगे अंदर पाई, पाई बाई 2 और पाई तक लेके चलेंगे, 3π/2 एंगल लेते हुए, तो हर एक पर ही कंटिन्यूस होगा, हमेशा रख के देख लेंगे। तो इसे डायरेक्ट लिखेंगे हम एफ एक्स, हिंदी में लिखेंगे पहले स्वतः संतत है, संतत होगा 0 पाई के लिए क्लोज इंटरवल के लिए, इंग्लिश में लिखेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑलरेडी फॉर द इंटरवल 0 to π। दूसरा लिखेंगे एफ एक्स, अगर आप इसको शो करके दिखाना चाह रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इस और इस, यहां से 0 पर चेक करिए, फिर 0 से बड़ी वैल्यू π/2 ले लीजिए, पाई से छोटी लेनी है सारी वैल्यू, और उनका सब पर चेक करके देखिए कंटिन्यूस ही आएगा, एफ एक्स इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब इक्वल आएंगे इस फंक्शन के लिए। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ एक्स स्वतः संतत होगा इस इंटरवल के लिए, और एफ एक्स स्वतः अवकलनीय होगा ओपन इंटरवल के लिए, वही अब ओपन इंटरवल के लिए डिफरेंशियबल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आएंगे, दोनों एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट नहीं आएंगे, और दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल होते हुए डिफरेंशियबल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, तो दोनों तो स्वतः ये सेटिस्फाई हमने कर दिए, थर्ड पॉइंट करते हैं। अब एफ इक्वल टू यहाँ पर ए और बी, ये वाले दोनों पॉइंट दोनों इंटरवल, तो अब एफ ए, अब एफ ए, एफ ए का मतलब हो गया एफ जीरो ए पर बराबर होना चाहिए, तो बराबर तो देख सकते हैं छोटा सा स्टेप है, कॉस जीरो, कॉस जीरो हो गया 1 एफ जीरो, एंड एफ बी यानी एफ पाई, बी का मतलब पाई, कॉस 2π, कॉस के सम पाई जितने भी होते हैं सारे प्लस बन जाते हैं, ये 1 हो गया, तो दोनों बराबर आ गए, ये भी सेटिस्फाई हो गया है ना। आगे दिखाते हैं, तो अब देखिए दोस्तों यहाँ से आ जाते हैं, इसलिए एफ ए इक्वल टू एफ बी दोनों बराबर हो गए, ठीक। अब थर्ड के लिए तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो गए, ठीक। अब हमें दिखाना है कि सी पॉइंट जिस पर एफ डैश सी इक्वल टू 0 अगर हो तो सी पॉइंट कि ओपन इंटरवल में होना चाहिए, क्लोज में ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अब पहले एफ डैश यानी कि हमें एफ डैश सी इक्वल टू 0 रखना है ना, कोई भी एक पॉइंट कोई वैल्यू है वो हमने कह दिया सी है, लेकिन वो सी वैल्यू हमें शो करके दिखानी है ओपन इंटरवल में, लेकिन इसके लिए हमें डेरिवेटिव चाहिए यानी डिफरेंशियल चाहिए। तो इसके लिए आप एफ एक्स इक्वल टू कॉस 2x देन एफ डैश यानी डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू 2 sin 2x विद नेगेटिव साइन, साइनस का कॉस का माइनस साइनस होता है, ये हो गया, एंड सी रख दिया, ये आ गया। यदि एफ डे सी इक्वल टू 0 है तो सी बताओ उसके अंदर है, तो ठीक है एफ डे सी निकालते हैं, -2 sin 2c = 0 -2 इसमें पहुंच गया, sin 2c = 0 sin 0 और sin 0 का मतलब होता है क्या, मतलब होता है sin 0 हो गया, या फिर एक काम कर सकते हैं हम सारी एन पाई, सारे एन पाई के लिए 1π, 2π, 3π, 4π एन पाई के लिए सब 0 हो गया, साइन एन पाई आ गया ना, सारी वैल्यू आ गई साइन पाई 0,
तो साइन से साइन कैंसिल, 2c इक्वल टू एन पाई, c इक्वल टू एन पाई बाई टू है ना। तो इस 4 n इक्वल टू 1 के लिए एक वैल्यू दिखा देते हैं, c इक्वल टू पाई बाई टू। तो देखा हमने 0 और पाई ओपन इंटरवल कह रहा हूं, थ्योरम के लास्ट में लिखा है कि ओपन इंटरवल में होना चाहिए c, यानी c belongs to ओपन इंटरवल में। और ओपन इंटरवल हमने आपको बताया कि इस दोनों बाउंड्री वैल्यू को छोड़कर इनके कहीं बीच में मान होता है। तो अब देख रहे हैं पाई बाई टू इनके कहीं बीच में आ गया ना, इसलिए c बिलोंग कर गया, c इक्वल टू पाई बाई टू यानी बिलोंग कर गया 0.5 पर। अतः रोले की प्रमेय सत्यापित होती है इस फंक्शन के, रोले की प्रमेय एफ एक्स इक्वल टू कॉस टू एक्स के लिए 0.5 इंटरवल के लिए सत्यापित होती है, यानी कि हेंस द रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर एफ एक्स इक्वल टू कॉस टू एक्स इन 0-π इंटरवल। तो ये हमारे पास इसका प्रूव्ड था, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका लेंथी क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का ये भी लेंथी क्वेश्चन है। और जैसे जैसे लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, तो हिम्मत मत हारिएगा क्योंकि अभी काफी क्वेश्चन है 5 का। इसमें हमें रखा है यदि एक cos inverse x upon a plus cos inverse x upon b is equal to 0, तो दोस्तों 0 नहीं है, प्रिंट गलत हो गया है, थीटा है। ये अगर थीटा हो तो सिद्ध करोगे ये, ठीक। तो दिया है, क्या दिया है, cos inverse x upon a plus cos inverse y upon b is equal to थीटा, तब सिद्ध करना है, तब सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2xy अपॉन ए बी कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। लेंथी क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत लेंथी क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप हमारे जो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को दोस्तों तो ज़रूर पहुँचाएँ ताकि सारे लोग इससे हेल्प ले सकें। ठीक है दोस्तों, व्यूज़ और लाइक इसके ढेर लगा दीजिए ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े और आपको बढ़िया से बढ़िया और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी मैटर हम आपके लिए ला सकें। तो चलिए हम दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, तो दोस्तों उसको करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला हमें याद रखना है, cos inverse x plus cos inverse y का फॉर्मूला, और cos inverse x plus cos inverse y के दो फॉर्मूले होते हैं, प्लस माइनस के लिए दोनों लिख के दिखाते हैं। फॉर्मूला हम आपको दिखाते हैं पहले क्या, सेंस cos inverse x प्लस माइनस cos inverse y, तो ये फॉर्मूला होता है cos इनवर्स एक्स वाई, निशान उल्टा होता है माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, साइन के लिए दोस्तों क्या होता है, साइन के लिए फॉर्मूला दूसरा होता है, एंड साइन वर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर, प्लस का प्लस होगा माइनस का माइनस होगा, जैसा साइन होता है सेम होते हैं, और वाई अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन के लिए होगा। हालांकि साइन की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन इसमें कॉस में रखा है, कभी कभी चेंज कर कर वो साइन में बना देता है, तो साइन का फॉर्मूला अपडेट करेंगे। तो यही फॉर्मूला हम पहला वाला अपडेट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास था cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b इज इक्वल टू थीटा, तो फॉर्मूला ऑपरेट करते हैं, cos inverse x cos inverse y प्लस का फॉर्मूला, यानी कि यहाँ cos inverse x इंटू वाई उल्टा निशान आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, इंटू अंडर रूट 1 में एक्स स्क्वायर, 1 में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इंटू अंडर रूट 1 में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा। cos inverse इधर गया तो cos थीटा हो गया, तो ये हो गया एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस का ए स्क्वायर माना एक्स स्क्वायर, और बी स्क्वायर माना वाई स्क्वायर अपॉन ए बी, रूट से बाहर आ गए दोनों, इज इक्वल टू इधर हो गया कॉस थीटा। ठीक, और ये भी एलसीएम ले लिया तो हो गया एक्स वाई
माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा ना, और ये रहा इंटू में बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्रॉस में पहुंच के इधर को आ गया ए बी कॉस थीटा। और बहुत आसान से हम जानते हैं हाई स्कूल से, जो रूट वाली चीज़ होती है उसे अकेला छोड़ते हैं फिर उस पर अटैक करते हैं, तो इसलिए ये जो है चीज़ इसको इधर भेज देंगे, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा और माइनस एक्स वाई हो गया। अब दोनों और वर्क करने पर ऑन स्क्वायरिंग, हिंदी में लिख लेंगे बच्चे, इंग्लिश में ऑन स्क्वायरिंग, दोनों वर्क करा तो स्क्वायर रूट हट गया, माइनस में हट गया, प्लस हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो गया दोस्तों ए बी कॉस थीटा माइनस एक्स वाई, यानी कि ए माइनस बी का ये होल स्क्वायर बनेगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो आपको पता ही है, अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करिए, और मल्टीप्लाई करके हम दिखाते हैं, आप भी करिए, ए स्क्वायर की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए, तो हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ हो गया माइनस एक्स स्क्वायर बी, तो माइनस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। राइट हैंड में ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना है कॉस के साथ में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी एक्स वाई कॉस थीटा। अब इसको प्रूफ पर सीधा रुकेगा दोस्तों, ये हो गए कैंसिल, अब राइट देखते हुए चलते हैं प्रूफ में। हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों एक तरफ दे रखे हैं, तो एक तरफ तो हैं हमारे पास, ठीक है, और बाकी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अलावा और कोई चीज़ नहीं है, एक्स वाई भी है, तो एक्स वाई भी इधर ले लेते हैं, सारी चीज़ इधर ले लेते हैं, ओके। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा प्लस का, चलो एक काम करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बचा इज इक्वल टू, यहाँ से बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो आंसर में देखें कॉस का जिक्र नहीं है, साइन है ना, तो कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, यस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ खोल दिया माइनस का, ये साथ में है टू ए बी एक्स वाई कॉस थीटा, अंदर ये भी मल्टीप्लाई करी जिससे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये भी कैंसिल होने वाला है, और सीधा प्रूफ की तरफ रुकने वाले हैं दोस्तों, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन चल रहे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का टू ए बी एक्स वाई कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया, ओके। अब कुछ उल्टा पलटा के खेल खेल लेते हैं, चलो ये एक तरफ इधर को ले आए, तो मान इसका बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी एक्स वाई, क्योंकि ये टर्म बीच में दे रखी है प्रूफ में कॉस थीटा, इसलिए हमने ऐसा बीच में लिखा है, माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम प्रूफ में अगर देखें तो साइन स्क्वायर थीटा सिर्फ ये है और ये चीज़ नहीं है, है ना, तो इस सबके नीचे अपॉन ले लगा, माइनस कैंसिल कर देंगे, चलो पहले माइनस कैंसिल कर दिया हमने, तो ये सारे साइन अपोजिट हो गए, ये भी प्लस हो गया, और ये हो गया हमारे पास प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर को नीचे लिया है, इसके नीचे रखेंगे, इसके नीचे रखेंगे, इसके नीचे रखेंगे, तो हम डायरेक्ट लिख के दिखा रहे हैं आपको, जब इसमें आएगा तो बी स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर, इसके नीचे आएगा तो टू एक्स वाई ए बी कट जाएंगे, तो ए के भी नीचे बचेंगे क्योंकि स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर में है ए बी, ए बचेगा, और यहाँ से ए स्क्वायर कट जाएगा तो वाई स्क्वायर यानी बी स्क्वायर बचेगा, ये आ जाएगा, और यहाँ पर राइट हैंड में साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास दोस्तों प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूव करना था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, इससे नेक्स्ट सॉल्यूशन हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर हाजिर होंगे दोस्तों। एक्चुअली क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी चल रहे हैं और वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, हम चाह रहे हैं आप भी बोर ना हो और छोटी छोटी वीडियो आती रहे, और जिससे कि आपका काम भी चलता रहे और आप बोर भी ना हो। तो दोस्तों ऐसे ही नई क्रम के साथ हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सॉल्यूशन लेकर आगे जल्द हाजिर होंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें हमारे चैनल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।